हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम अदिति सोनी। टुडे माय मॉम इज़ मेकिंग सोया चाप स्टिक। तो चलिए आपको हम रेसिपी दिखाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे सोयाबीन ली है। ये सोयाबीन की दाल है जो हम लोगों ने रात में भिंगो रखी थी सुबह के लिए। और ये मैदा है और ये मिक्सी ग्राइंडर है। उसके बाद हम लोग सोयाबीन की दाल ग्राइंडर में डाल के उसको मिक्सी में चलाएंगे। सोयाबीन की जो दाल थी वो हम लोग ने पीस चुके हैं। अब हम लोग सोयाबीन को डाल के उसके अंदर पीसेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की सोयाबीन भी पीस चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब पिसी हुई सोयाबीन और पिसी हुई सोयाबीन की दाल दोनों को मिक्स कर देना है। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए। और धीरे धीरे मैदा डाल के इसमें डो बनाइए। अगर डो गीला होता है तो उसमें आप और मैदा डाल के मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डो थोड़ा गीला लग रहा है, तो इसमें हम लोग मैदा मिक्स करेंगे। हमारा डो बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे हम लोग अब इसको बेलना है। यहाँ पे हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसको कट करेंगे नाइफ से या फिर पिज़्ज़ा कटर से। कट इन टू सो मच पीसेस एंड देन टेक वन के बाद एक चम्मच के बाद। हमारी एक चॉपस्टिक बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारी चॉपस्टिक बनके तैयार हो चुकी है, प्यारी प्यारी सी। पानी एकदम उबल चुका है। एकदम उबलते हुए पानी में एक एक पीस करके डालते। तो अच्छा आप अच्छे से उबल चुका है। हम यहाँ पे ठंडे पानी में इसको डालना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। ये पानी से निकाल के हम लोग यहाँ इसे प्लेट में रख देंगे। सोया चाप स्टिक तैयार है। अब आप इसका रेसिपी, फ्राइज, जो चाहे वो बना सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों ने देख लिया कि हमारे यहाँ पे सोया चाप स्टिक रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सोया चाप अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एंड इट्स लुक सो यम्मी एंड खाने में बहुत यम्मी होगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।